नमस्कार मित्रों, आज हम आपके साथ सफला एकादशी व्रत की एक अनुपम कथा साझा करेंगे। ये कथा उस काल की है जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न किया था। हे जनार्दन, पोष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए, कृपया मुझे इसकी विस्तार से जानकारी दें। हे धर्मराज, पोष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम सफला एकादशी है। इस दिन भक्तों को भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं अब आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाऊंगा, कृपया ध्यान से सुनिए। किसी काल में चंपावती नामक एक मनोरम नगरी थी, जहां माहेश्मत नामक एक वीरता और धर्म के प्रतीक राजा का शासन था। उनके चार पुत्र थे। राजा के सबसे बड़े पुत्र लुम्पक अक्सर नीति और धर्म से विमुख होकर पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। उनके कर्मों में स्त्री दुराचार, जुआ, ब्राह्मणों और शास्त्रों का अनादर और वैष्णवों की निंदा जैसे अनुचित कार्य शामिल थे। उनके इन कर्मों का दुष्प्रभाव राज्य पर भी पड़ने लगा। एक दिन राजा माहेश्मत ने अपने राज्य और प्रजा के हित में लुम्पक को राज्य से निकाल दिया। निर्वासित होकर लुम्पक ने नगर के बाहरी जंगल में शरण ली, परंतु उसके अनैतिक कार्यों में कोई कमी नहीं आई। वो दिन भर जंगली जानवरों का शिकार करता और उनका मांस खाता और रात को नगर में जाकर चोरी डकैती करता। कई बार नगर के लोगों ने लुम्पक को चोरी और लूटपाट करते हुए पकड़ा, परंतु उसके पाप कर्म समाप्त नहीं हुए। वो जंगल में एक प्राचीन और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, जो भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय था। इस प्रकार समय बीतता गया और उसके जीवन में परिवर्तन का क्षण निकट आ गया। एक दिन संयोगवश पोष मास की ठंड के कारण वो सारी रात सो नहीं पाया। शीत लहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वो मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वो भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वो वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी ये कैसी दशा हो गई है, ये फल मैं आपको समर्पित करता हूँ, कृपया करके इन्हें स्वीकार कीजिए। उस रात भी ठंड के कारण वो जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। अनजाने में उसने एकादशी का व्रत पूरा किया और इस अनजाने में की गई तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। अगले दिन सूर्योदय के समय एक श्वेत और तेजस्वी घोड़ा उसके पास आया। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए ही आया है। भगवान नारायण की अनुकंपा और सफला एकादशी के व्रत के नियम पूर्वक पालन से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वो गदगद हो गया। लुम्पक ने घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। उसके शरीर में पुनः ओज और कांति आ गई थी। अपने नगर पहुंचकर उसने अपने पिता से क्षमा याचना की और उन्हें सारी घटनाओं का विवरण सुनाया। जब लुम्पक के पिता ने उसे धर्म और सदाचार से युक्त देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लुम्पक को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार लुम्पक ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को पूर्ण निष्ठा से निभाया और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके देवासन के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो भी इस सफला एकादशी की कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें राजश्री यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। उनके सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इस बार सफला एकादशी व्रत 7 जनवरी को है।
भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से पुरुषोत्तम मास की एकादशियों सहित कुल 26 एकादशियों को उत्पन्न किया। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर माह में दो बार एकादशी पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी तो अपने नाम के अनुसार ही भक्तों के सभी कार्यों को सफल एवं पूर्ण करने वाली है। धर्म ग्रंथों में इस एकादशी के बारे में कहा गया है कि हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस दिन मंदिर एवं तुलसी के नीचे दीप दान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। ग्रंथों में सफला एकादशी एक ऐसे दिन के रूप में वर्णित है जिस दिन व्रत रखने से प्राणी के सारे दुख समाप्त होते हैं और भाग्य खुल जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। एकादशी पूजा विधि। साधक को इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र चंदन जनेऊ गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य ऋतुफल पान नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती उतारनी चाहिए। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है।